महानगरों की तर्ज पर अब राजधानी भोपाल में भी सड़कों पर स्टंट दिखाने वाले कलाबाजों पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। डीसीपी संजय सिंह ने बताया कि इस तरीके के स्टंट से न सिर्फ खुद की जान को बल्कि दूसरों को भी खतरा होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, समय समय पर इनकी जांच होती है और जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। डीसीपी संजय सिंह ने भोपाल वासियों से की अपील, गाड़ियों से स्टंट बाजी ना करें, यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। चौक चौराहा पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर स्टंट बाजों पर होगी कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जी हाँ, ये अभी सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है और ई रिक्शा के ऊपर ये बताया जा रहा है। तो हमने इसके वीडियो की जैसी जानकारी मिली हमने सभी अधिकारियों को बता दिया है। इसको सर्च कर रहे हैं हम लोग और निश्चित रूप से जो भी जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया है और उन्हें उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। विगत दिवस जो कार पे जो इस तरीके का स्टंट करते वीडियो वायरल किया गया था उस पर दूसरे दिन ही कार्रवाई कर दी गई थी। मेरी अपेक्षा है सभी से कि इस तरह के हरकत ना की जाए, इससे खुद के साथ साथ अन्य लोगों का जीवन भी इसमें संकट में रहता है। तो युवाओं से मेरी अपील रही कि इस तरह की कार्य करने के पहले विभिन्न चीज़ों के संबंध में लोगों की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, यातायात नियम, इन सब के बारे में एक बार जरूर विचार करें और इस तरह की हरकत ना किया करें। सर, लिंक रोड नंबर एक पर भी एक कारों में सवार जो लोग थे वो स्टंट करते हुए यहाँ नजर आ रहा, कई कारें थी उसमें जो महाराणा जयंती पर करने जा रहे थे अपना। हाँ, ये जुलूस के दौरान जो इस तरह की जब कभी भी जुलूस वगैरह या बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रोसेशन रहता है उस समय, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई उस समय नहीं की जाती, लेकिन जब भी ये वीडियोस या फोटोग्राफ मिलते हैं तो उसके बाद इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। और कल के कार्यक्रम में जो इस तरह की घटनाएँ देखी गई हैं उनमें भी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस करेगी।